चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया से राष्ट्रीय अधिवेशन और इसमें हमारे चीफ जस्टिस रमेश गर्ग जी, छत्तीसगढ़ बना तो एक्टिंग चीफ जस्टिस के रूप में उन्होंने कार्यभार संभाला था और वैसे तो बहुत सारे जस्टिस होते हैं, होंगे, लेकिन गर्ग साहब को हम लोग बिल्कुल डबल जस्टिस के रूप में हम लोग जानते हैं। उनके विचार, उनके कार्यशैली बड़ा प्रभाव छोड़ा छत्तीसगढ़ में। मैं उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। वर्षों बाद उनसे मुलाकात हुई और बहुत अच्छा लगा। हाई कोर्ट में तो हियरिंग भी अंग्रेजी में होता है, फैसले भी अंग्रेजी में लिखे जाते हैं, लेकिन भाषण दिया तो शुद्ध हिंदी और संस्कृत में उन्होंने भाषण दिया। बहुत अच्छा लगा। आदरणीय रंजीत कुमार अग्रवाल जी ने बहुत कम समय में बहुत ही उपयोगी और सारगर्भित संदेश हमारे बच्चों को दिया है। मैं उनका भी इस धरती पर स्वागत करता हूं छत्तीसगढ़ की धरा पे। आदरणीय मंगेश जी, नवी जैन जी, जो न्यूज 24 के यहाँ चलाते हैं और एक और भी चलाते हैं, लल्लू राम, बड़े चर्चित थे, बड़े लोकप्रिय भी हुए। अनुज गोयल जी, अभय जी, रवि ग्वाला जी, तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था उसका भाषण सुन के चुनाव बहुत नजदीक आ गया है। आदरणीय रश्मि जी, विकास गोलचा जी, दयानिवास शर्मा जी और देश भर से आए हुए सभी अतिथिगण, सभी हमारे जो सीए के छात्र हैं, छात्राएं हैं, सबका मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आदरणीय साथियों, चार्टर्ड अकाउंटेंसी के बारे में हम लोगों को ज्यादा जानकारी नहीं, क्योंकि हम लोग खेती किसानी से जुड़े हुए लोग हैं। हम लोग ज्यादा साल भर में एक बार पैसा आना होता था और उसी में हम लोग को फिर से साल भर खर्चा करना होता है। लेकिन जब हम लोग कॉलेज में थे तब गिने चुने चार्टर्ड अकाउंटेंट शहर में हम लोगों को देखने मिलता था, लेकिन जैसे जैसे व्यापार, व्यवसाय, उद्योग बढ़ा, इनकी आवश्यकता बढ़ी और जिस प्रकार से रंजीत जी ने बताया कि अब 8.5 लाख हमारे सीए पूरे हिंदुस्तान में हैं, 1,500 बच्चे हमारे सब सामने हैं, बीड़ा जी ने एक बात कही थी, पैसा कमाना आसान है, पैसा कमाना आसान है, हालांकि बहुत कठिन होता है, लेकिन उन्होंने कहा पैसा कमाना बहुत आसान है, कठिन तो खर्च करना होता है। पैसा तो कोई भी कमा लेता है, मजदूर भी कमाता है, किसान भी कमाता है, व्यापारी भी कमाता है, उद्योगपति भी कमाता है, लेकिन इन्वेस्ट कहां कर रहा है, सबसे महत्वपूर्ण ये है, खर्च कहां कर रहे हैं और खर्च कहां करना है, किसमें आपने ज्यादा खर्च कर दिया और किसमें कम खर्च कर दिया जिसके कारण से आपको हानि हुई, ये जानकारी कोई देता है तो हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट देते हैं। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो व्यापार के, व्यवसाय के, उद्योग के आईना है, वो आपको आईना दिखाने का काम करता है कि आप साल भर में आपने ये किया, जहां जहां आपको ज्यादा खर्चा करना था वहां आपने कम कर दिया, जहां आपको खर्च कम करना था वहां ज्यादा कर दिए, अब जो आपके पास पैसा आया तो कहां कहां आपको इन्वेस्ट करना है, किस दिशा में काम करना है। तो ये न केवल
व्यापारी को, व्यवसायी को, उद्योगपति को, बल्कि सरकार को भी ये बताते हैं कि हमारे पास जो धन आ रहा है उसको किस प्रकार से और आगे बढ़ाना है, उसमें कहाँ कहाँ स्कोप है, ये बताने का काम करता है। तो बहुत महत्वपूर्ण अंग है देश के, समाज के। और इसलिए मैं आप सबका, जिस प्रकार से रंजीत जी ने कहा कि आप सैलरी लेने के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बने हैं, बल्कि समाज को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बने हैं, ये महत्वपूर्ण अंग है समाज का। और देश में जिस प्रकार से प्रगति हो रही है उसमें बड़ा योगदान आपका है। एक और बात, मैं बहुत पहले टीवी देखा और टीवी में विजयपत सिंघानिया जी इंटरव्यू दे रहे थे, उन्हें बहुत बढ़िया बात कही और जो मेरे जहन में बैठ गया। मान लो आपके पास एक रुपया है और आपके सामने वाले बैठे व्यक्ति के पास भी एक रुपया है, आप यदि एक्सचेंज करते हैं तो आपके पास भी एक रुपया रहेगा, मेरे पास भी एक रुपया रहेगा, लेकिन आपके पास एक आइडिया है, सामने वाले के पास एक आइडिया है, और यदि एक्सचेंज करते हैं आइडिया को, दो दो एक आइडिया हर दोनों व्यक्ति के पास होगा। आइडिया एक्सचेंज करने से बढ़ता है, यह बहुत महत्वपूर्ण बात है और इसको हम लोगों को एक्सचेंज करना चाहिए। साथियों, छत्तीसगढ़ सरकार के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें कही, गर्ग साहब ने कही, संजीत जी ने कही, रवि गोलानी जी ने कही, नमित जीत और उसके पूर्व वक्ता तो बिल्कुल साठ में फॉर्मेलिटी उन्होंने निभाई, समय उन्होंने बचाया, समय की कीमत आपने समझा, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई भी क्षेत्र हो उसके लिए वातावरण बनाना, चाहे आप स्कूल कॉलेज में हैं, यदि पढ़ाई का वातावरण उस कैंपस में नहीं हुआ तो कैंपस बहुत जल्दी खाली हो जाएगा, या उसके बारे में, उस कैंपस के बारे में बहुत अच्छी अवधारणा नहीं रहेगी। घर में यदि पढ़ाई का वातावरण नहीं रहेगा तो कितना भी कुशाग्र बुद्धि का बच्चा हो वो अपनी क्षमता के हिसाब से प्रदर्शन नहीं कर पाएगा। इसलिए चाहे घर में हो चाहे कैंपस में वातावरण देने का आवश्यकता है। उसी प्रकार से जैसे कि गर्ग साहब ने बहुत अच्छी बातें कही कि आज देश में गांव में सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ है, वैसे पलायन हर प्रदेश में, हर क्षेत्र में, हर समाज में देखने को मिलता है, एक जो माइग्रेशन है जो बुद्धिजीवियों का है, जो हमारे बौद्धिक संपदा है उसका पलायन, दूसरा पलायन मजदूरों का, हमारे छत्तीसगढ़ में मजदूरों का पलायन ज्यादा हुआ, लेकिन पूरे देश में हम देखें तो बौद्धिक संपदा का जो पलायन गांव से निकल के शहरों में या देश या विदेश में हुआ है, उसके कारण से देश ग्रामीण क्षेत्र है वो खोखला हुआ है। क्यों? क्योंकि वो सारी सुविधाएं जो किसी व्यक्ति को चाहिए, किसी परिवार को चाहिए, वो नहीं मिल रहा है। हमारी कोशिश यही रही छत्तीसगढ़ में पौने पांच सालों में कि उन सब चीजों को फिर से वापस लाया जाए। तो पांच साल जो हम लोग काम किए, चाहे राजीव गांधी किसान न्याय योजना हो, भूमिहीन श्रमिक न्याय योजना हो, गोधन न्याय योजना हो, तो अंतर क्या आया? अंतर यह आया कि पांच साल पहले 12 लाख किसान ही सोसाइटियों में धान बेचने के रजिस्टर करते थे, आज वो किसानों की संख्या 26 लाख हो गई। इसका मतलब यह है कि जो गांव में खेती किसानी जमीन तो थी लेकिन छोड़ दिए थे, आज 12 लाख की जगह 14 लाख लोग, मतलब 12 प्लस 14 गांव में लौटा हुआ 26 लाख किसान आज धान बेच रहे हैं। धान के उत्पादन पहले जो 55 लाख मीट्रिक टन होता था, आज इस साल 107 लाख मीट्रिक टन हो गया। जो जमीन में खेती होती थी, जो सोसाइटी में रजिस्टर्ड है, वो 22 लाख हेक्टेयर था, आज बढ़ के 32 लाख हेक्टेयर हो गया।
कृषि के तरफ लोगों का रुझान बढ़ा, क्योंकि कृषि अब लाभ छत्तीसगढ़ में कम से कम लाभ का धंधा है। शहर से गांव की तरफ लौटे, उसी प्रकार से स्वास्थ्य के लिए हमने काम किया। कोरोना काल में आपने देखा होगा जहां प्राइवेट सेक्टर में जब दूसरी लहर आई तो हॉस्पिटल बंद हो गए, उस समय सरकारी जो अस्पताल है, हार्ट बाजार क्लिनिक योजना है, मेडिकल मोबाइल यूनिट योजना है, इन्होंने जो सेवाएं दी और इस कारण से शासकीय जो संस्था है तो विश्वास बढ़ा है और आज लाखों नहीं करोड़ों लोग आज उसका लाभ उठा पा रहे हैं। उसी प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में अन्य राज्यों में या छत्तीसगढ़ में हम पूर्ववर्ती सरकार में स्थिति ये थी कि ड्रॉप आउट जो बच्चे थे उसकी संख्या अधिक थी और लगातार जो शासकीय स्कूल में उसमें दाखिला कम हो रहा था, प्राइवेट सेक्टर में बढ़ रहा था। हमने स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल शुरू किया, हमने स्कूलों के संधारण का काम हाथ में लिया और सबसे बड़े बजट इस साल हमने दिया। उसका परिणाम ये हुआ है कि स्कूलों में एक सीट के विरुद्ध में 10 और 15 एप्लीकेशन हमारे स्कूलों में आए और पहली बार ये हुआ है कि सरकारी स्कूलों में दाखिला हमारा बढ़ा है, दर संख्या बढ़ी है, ये परिवर्तन आया है। तो एक वातावरण बनाने की आवश्यकता। उसी प्रकार से व्यापार व्यवसाय में हमारी जो उद्योग नीति है, हमको कोई बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ी। हमारे जो व्यवसाय के लिए जो नीति बनी उसके कारण से परिवर्तन यह आया कि हजारों करोड़ रुपया का इन्वेस्टमेंट छत्तीसगढ़ में हुआ, हजारों लोग यहां को रोजगार मिले। तो परिवर्तन सवाल इस बात का है कि हम वातावरण किस प्रकार से दे रहे हैं। तो हर वर्ग हर क्षेत्र में हमको वातावरण देने के, औद्योगिक क्षेत्र में, व्यवसाय क्षेत्र में, रवि वालोनी ने जो बात कही कि होलसेल कॉरिडोर 1,000 एकड़ का पूरे छत्तीसगढ़ में पहली बार हो रहा है, देश में सबसे बड़ा है और मैं समझता हूं एशिया का सबसे बड़ा होलसेल कॉरिडोर कहीं बन रहा है तो छत्तीसगढ़ में हमारा बन रहा है। तो व्यापार व्यवसाय बढ़ाने के लिए एक वातावरण हम दें, और जब व्यापार जब 1,000 एकड़ में जब होलसेल कॉरिडोर हमारा खुलेगा तो निश्चित रूप से चार्टेड अकाउंटेंट की जरूरत तो और पड़ेगी, और जब पड़ेगी तो जो आपने मांग की, रवि गौलानी ने मांग की, उसके बाद गर्ग साहब और रंजीत साहब और पूर्व वक्ताओं ने सब ने एक स्वर से कहा कि हमको जमीन चाहिए। अरे पूरी जमीन छत्तीसगढ़ की आपकी है, क्या चिंता करते हो आप, 5 एकड़ मांग रहे हैं, निश्चित रूप से मिलेगा आपको। देखिए किसी भी सरकार की सबसे बड़ी जो ताकत वो क्या है, वो लोगों के चेहरे में मुस्कान। वो सबसे बड़ी संपत्ति यदि मेरी है तो यही है, चाहे बच्चे हों, छात्र हों, किसान हों, आदिवासी हों, अनुसूचित जाति हों, महिलाएं हों, बड़े बुजुर्ग हों, युवा हो, आपके चेहरे में मुस्कान होना चाहिए। आप सबके मन में एक सपना है, उस सपने को उड़ान देने के, उसके लिए आकाश तैयार करने के, उसके लिए वातावरण तैयार करने की जिम्मेदारी सरकार की होती है और वो काम निरंतर हमारी सरकार कर रही है। और जैसा कि रवि ने कहा कि हम शिलान्यास इस साल करें, इस कार्यकाल में करें और लोकार्पण अगले कार्यकाल में करें, निश्चित रूप से ये आपके मुखारबीन से जो निकला है और जो बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद आपके शब्दों को मिला है, आपके विचारों को मिला, आपके मांग को मिला है, मैं समझता हूं कि इसको मैं कहूंगा तथास्तु, होना चाहिए। यदि वर्ल्ड क्लास यदि इंस्टीट्यूट अपना छत्तीसगढ़ में देने के लिए आए हैं, हमको तो केवल जमीन ही देना है, तैयार तो आपको करना है, इन्वेस्टमेंट आप करेंगे, इंस्टीट्यूट आप चलाएंगे और हमारे छत्तीसगढ़ के बच्चे, आखिर ये संपदा है, ये जो धरती है वो किसके लिए, ये आने वाले पीढ़ी के लिए। अब गर्ग साहब, हम लोग तो पके आम हो रहे हैं, धीरे धीरे मैं उस दिशा में बढ़ रहा हूं, तो हम लोग कब तक रहेंगे, लेकिन ये जो पीढ़ी है सामने वाली पीढ़ी वो तो रहेगी, तो उसके लिए वातावरण हम दें।
खूब तरक्की करें। हमारा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ का नाम जहां कृषि के क्षेत्र में हो रहा है, उद्योग व्यापार के क्षेत्र में हो रहा है, हमने जो नीति बनाई, पूरे देश का, पूरे दुनिया में जहां जहां कोरोना फैला वहां आर्थिक मंदी से जूझता रहा, एकमात्र छत्तीसगढ़ है जहां आर्थिक मंदी छू तक नहीं गया। कोई भी सेक्टर आप चले जाइए, रियल इस्टेट में सब लोग रो रहे थे, छत्तीसगढ़ में टेक्सटाइल में चले जाइए, जेम ज्वेलरी में चले जाइए, चाहे ऑटोमोबाइल में चले जाइए, कोई भी सेक्टर हो वो ग्रोथ ही दिखा। सारे जितने बड़े बड़े कंपनी के लोग हैं जहां जिनके होलसेलरों के जब बैठक बैठके होती थी, भैया एक चीज बताओ, सब जगह तो बिक्री में कमी आ रही है, जितने भी हमारे शोरूम हैं, जो फैक्ट्री है उसके शटर गिरते जा रहे हैं, फैक्ट्री उत्पादन को आधा करना पड़ रहा है, लेकिन यहां चाहे कपड़े हो, गद्दा हो, मोटरसाइकिल हो, ट्रैक्टर हो, कार हो, यहां लगातार आंकड़े देख लीजिए, आप लोग बताने की जरूरत नहीं, सारे आंकड़े तो आपके पास रहते हैं। मैं आंकड़े इसलिए नहीं बोल रहा हूं, हो सकता है मेरा उंगली पकड़ लें आप कि आपने गलत कहा, इसलिए मैं आंकड़े को नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट के सामने आंकड़े बात क्या करूंगा मैं। ये जो लाइन मैं बोल रहा हूं जितना, उसमें आप देख लीजिए, किसी भी राज्य से तुलना कर लीजिए, किसी भी सेक्टर में, उसमें आपको ग्रोथ ही मिलेगा, बढ़ोतरी मिलेगी। पूर्ति नहीं कर पा रहे थे ट्रैक्टर मोटरसाइकिल, किसी भी सेक्टर में चले जाए, बिजली आप देख लीजिए, बिजली से आपको पता चलेगा कि कोई भी प्रदेश जो बिजली का उत्पादन करता है वो गरीब होता है, जो राज्य बिजली खपत करता है वो राज्य समृद्ध होता है। हमारे यहां बिजली का उत्पादन तो होता था लेकिन खपत कम थी। आज स्थिति यह है कि देश में सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति यदि बिजली खपत कहीं है तो छत्तीसगढ़ में 2200 यूनिट प्रति व्यक्ति की खपत है, जबकि देश में 1500, और पीक आवर में 2018 के पहले पीक आवर में 4100 मेगावाट की मांग थी, हमारे कार्यकाल में पीक आवर में 5800 मेगावाट की मांग रही है, मतलब 5 साल बीतते बीतते 1700 मेगावाट की बढ़ोतरी हुई, कितनी बड़ी बात। तो ये जो बिजली खपत है वो बता रहा है कि हमारे यहाँ समृद्धि आई, घर में भी बिजली का उपयोग बढ़ा है, कृषि के क्षेत्र में बढ़ा है, व्यापार में बढ़ा है, उद्योग में बढ़ा है। तो ये पैरामीटर्स हैं जिसमें हम लोग ये बताते हैं कि हम छत्तीसगढ़ में कितना तेजी से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं इस अवसर पर पुनः आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देते हुए, आपने मेरा स्वागत किया, अभिनंदन किया, और आयोजकों को बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद देता हूं कि मेरी नए पीढ़ी से मुलाकात करने का आपने अवसर प्रदान किया, इसलिए मैं आप सबको हृदय से धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी के विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा अपने प्रभावशाली सर्वधर्म संगम, धर्म के सच्चे प्रहरी।